मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंगलवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्यों के साथ धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति ना पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए पोलिंग बूथ अभ्रनंदन इंटर कॉलेज गोरखपुर के सुपरवाइजर लेखपाल तारकेश्वर का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय श्याम देवरवा महाराजगंज बूथ के निरीक्षण के दौरान कार्य में रुचि न लेने के कारण लेखपाल सुपरवाइजर को वेतन रोकने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही तहसीलदार सदर महाराजगंज पर नाराजगी प्रकट करते हुए पुनरीक्षण कार्यों में तेजी लाकर मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने धान क्रय केंद्र बशारतपुर चरगावा भटहट तथा श्याम देवरवा का भी निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने अभयनंदन इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर निरीक्षण के दौरान उपस्थित सभी बीएलओ से वार्ता कर फार्म 6 की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्य समयबद्ध ढंग का होता है। सभी बीएलओ अपने कार्य दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा लगन एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। इस कार्य में तनिक भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित कर्मी कार्रवाई से वंचित नहीं रहेंगे। आप कहाँ से? फोकरबिंडा से। आप कहाँ से? जी सर, अच्छा, तो आपका सत्यापन हो गया तहसील से? नहीं सर, अभी तहसील से हुआ है। आपका सत्यापित करते हैं सर, कुछ आप कितने कुंटल देने के लिए आए हैं सर? कुछ बताई कब तक है? अभी यही पूछ रहे हैं सर कि इतना ही 25 कुंटल हो जाएगा, कागज हमारा सही हो गया, मैं यही जाँच कराने आई। आप संतुष्ट हैं? ठीक, 50 कुंटल भेज रहे सर। दो बार हुआ, एक बार इनका धान पूरा सूखा नहीं था सर, तो मैंने पहले 10 करा दिया। धान भेजा बहुत जरूरी है, अभी भी कोई टाइम दूसरा नहीं है। मेरा सुझाव ये है, आप इसको नक्शा बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लंबे समय में काम आएगा। एक बार आप बना करके रख लेंगे, अगले बार बाई चांस आपका बूथ बदलेगा, आप रिक्वेस्ट कर लीजिए सर हमारा बूथ मत बदलिए, क्योंकि हमको जो 4 दिन में 5 दिन में जो काम हमको सही तरीके से करके रखना है वो हमारे पास है।